नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि एटले एवो कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथे आपनी मुलाकात करावे छे ने वातो करे छे अंदर। आज एक एवो विशिष्ट व्यक्तित्व अने एक विशेष विषय आपनी साथे जे भदौरिया जी के जेओ चीफ ऑफ एर स्टाफ, ये थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, आपको बता दूँ फॉर्मर चीफ ऑफ एर स्टाफ एनो मतलब ये कि आखू जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट है ये आखू हैंडल करता था। भदौरिया जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये गुजरात पे ही आ जाता हूँ, सीधा पहला ही सवाल मैं ये लेना चाहता हूँ। कभी कभी डिस्कस भी होता होगा सीनियर्स के बीच में, सब प्रदेश से आते लेकिन गुजरात से कम आते हैं, तो क्या उसमें बदलाव आया क्या पिछले कई दिनों में, कई सालों में? हाँ, बदलाव थोड़ा सा देखने को तो मिला है, बट जो आप बोल रहे हैं वो सही बात है कि गुजरात एरिया से इंडक्शन इनटेक्स कम था, और हम ये सब स्टडी करते रहते हैं, उसके लिए कुछ एक्शंस भी लेते हैं, कुछ स्पेशल एक्शंस लेते हैं, एंड उस हिसाब से इनटेक बढ़ा है। ओके, फैसिनेटिंग। सबसे ज़्यादा अगर डिफेंस में माना जाए ना तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फैसिनेटिंग है ना वो एयरफोर्स रहता है। मैं इंडिविजुअल भदौरिया जी से पूछना चाहूँगा कि कब ये ड्रीम आया था कि क्या फैमिली बैकग्राउंड भी था ऐसा जो डिफेंस में थे, या तो सडनली किसी को देखा इंस्पायर हो गए, या तो फिर लगा कि अंदर से आ गया कि बॉस कुछ तो करना है इस देश के लिए? ये सब कॉम्बिनेशन थे, फैमिली बैकग्राउंड भी था, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था चंडीगढ़ में, मेरे स्कूल के ऊपर से MiG-21 फ्लाई करते थे, सो वो एक पार्ट था जिससे बहुत यू नो इंस्पायर हुए और उससे प्रभाव पड़ा। एंड उसके बाद जो अपने पीयर ग्रुप है उसमें भी सबको था कि डिफेंस में जाना है, तो जनरल हमारा जो मेरा चॉइस था 11th से काफ़ी पहले से हो गया था कि इंडिया जाना है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा आपके पास से वो व्यू भी लेना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे युवा होंगे जो चाहते कि इस फील्ड में आना हो। आप फॉर्चुनेट थे कि आपको फैमिली से ही पूरा ये बैकग्राउंड भी मिला, थोड़ा एक अलग नॉलेज भी, डायरेक्शन भी मिला होगा, और आपने बताया कि माहौल भी ऐसा था कि जो आपको इस फील्ड में आने का बिल्कुल इंस्पायर कर रहा था। लेकिन अगर कोई गांव खेड़ा का बंदा है, कोई ऐसा फैमिली वाला है जिसमें कोई दूर दूर तक कोई बंदा अभी तक कोई डिफेंस में नहीं है, क्या उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज मुझे लगता है कि करोड़ों युवा है जिनके दिल में अपने देश के लिए कुछ करने की अंदर चाहत पड़ी हुई है लेकिन शायद उनको डायरेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा है। सिंपल इसका आंसर ये है कि उनको अपना मन बनाना चाहिए कि अगर डिफेंस की तरफ उनका अटेंशन है और चाहते हैं कि डिफेंस में जाएं, तो सबसे इजी तरीका है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे सभी एक्टिविटीज़ में स्कूल में भाग लो, दैट मीन्स खेल कूद, सारी तरह की स्पोर्ट्स, सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब में भाग लो, NCC है तो NCC का पार्ट बनो। एंड हमारा सिस्टम ऐसा बिल्कुल ऐसा क्लियर है, सिर्फ मेरिट बेस्ड है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं कब एग्ज़ाम आ रहे हैं, दो इंटेक होती हैं, एक एयर वॉरियर के लिए होता है, एक एयरमैन लेवल का सिलेक्शन होता है वो 10+2 के बाद होता है, और एक ऑफिसर लेवल सिलेक्शन होता है वो एक 10+2 के बाद NDA का होता है या ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट अकेडमी में होता है। तो ये एवेन्यूज़ हैं जो करियर का वो चूज़ कर सकते हैं, सभी बच्चे एस्पायर कर सकते हैं, चाहे ऑफिसर कार्डर के लिए अगर उनको अपनी वो है टेक्निकल उसमें जाना चाहते हैं, एयरमैन कार्डर उसके लिए। एंड सबसे अच्छा तरीका है अच्छी पढ़ाई करो एंड सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठो, बिल्कुल पॉसिबल है। सीधा मैं आ जाता हूँ, अभी का रिसेंट टिपिकल हमारी डिफेंस का क्या हाल है, क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन हम लोग भी जो दिखाते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं ओपनली कन्फेस करना चाहूँगा, हर एक व्यूअर भी शायद अंदर से जानता है, लेकिन एक मीडिया हेड के हिसाब से मैं आज ओपनली कन्फेस भी करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो एंकर है वो इतनी जानकारी नहीं रखता। आप भी देखते शायद वो स्माइल दे देते होंगे कि यार क्या बोल रहा है, एंकर को कुछ पता ही नहीं है। मेरा सीधा सवाल ये है कि मीडिया जिस तरह से डिफेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है या तो डिफेंस के बारे में कुछ बातें बता रहा है, आपको लगता है ये मैं एक अलग अलग एंगल से भी बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में हमने एक प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मीडिया हाउस में भी
डिफेंस के बारे में कुछ उनको नॉलेज के लिए भी कुछ सेशन लिया जाए? डू यू फील दैट? आई थिंक कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ जो ये नॉलेज काफ़ी है और सही है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें नॉलेज इतनी नहीं होती, एंड उस एरियाज में कभी कभी नॉलेज पूरी आएगी भी नहीं, बिकॉज डिफेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि सब कुछ बाहर डिस्कस नहीं होता। बट आई वुड से जो इश्यूज़ बाहर डिस्कस होने चाहिए उसकी नॉलेज मीडिया को फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, बिकॉज देशवासियों को जानना चाहिए क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, एंड मीडिया एक तरह से एक मिरर होता है, उस हिसाब से वो वाली नॉलेज होना जरूरी है। कई जगह ऐसा है भी, बट कई जगह जैसे आप बोल रहे हैं ऐसा भी लगता है, आपको कई बार फील भी होता होगा कि ये जगह थोड़ा इम्प्रोवाइज होता तो बेहतर रहता। ऐसा है, दोनों कॉम्बिनेशन है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने देखा है, अगर मैं पिछले 10-12 साल ही लूँ तो उसमें भी जब मैंने मीडिया को क्लोजली देखा है इन वेरियस अपॉइंटमेंट्स, उसमें भी मैंने एक बहुत स्टडी ग्रोथ देखा है। सो इन चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मीडिया पर्सपेक्टिव, एंड जैसे कि प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं या प्लान किए जा रहे हैं यू नो देशवासियों को बताने के लिए किस तरह में किस एरिया में क्या हो रहा है। बहुत सारे हम लोग ये बताते भी है, मेरे हिसाब से लोग बहुत सारे डिस्कस भी करते हैं कि हिंदुस्तान की अभी जो डिफेंस पॉलिसी है वो बहुत सारी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ हमारे पड़ोसी देशों के लिए, हो सकता है वेस्टर्न कंट्री का जो प्रभाव अभी तक था शायद उसमें से बाहर आने के लिए भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट करते थे हम कोशिश, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसी पे आ रहा हूँ मैं, कि बाहर से चीज़ आ रही है अभी थोड़ा हम आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश करें। तो ये क्योंकि लंबा, ये सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मुझे एक बिल्कुल बुलेट पॉइंट चाहिए कि हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी में पिछले कितने सालों से आपको फील हो रहा है कि नाउ अभी कुछ सही जो डिफेंस पीपल चाहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स चाहते हैं, उस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? देखो पिछले 10 साल में तो बहुत चेंजेस आए हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो हमारी मॉडर्नाइजेशन प्लान था उसको बहुत एक स्पीड दी गई, नए इक्विपमेंट आए, बहुत कैपेबल कॉम्बैट कैपेबिलिटी आई एयरफोर्स की तरफ से बोलूँ तो, जैसे रफेल जहाज आए, उससे पहले C-130 एंड C-17 का इंडक्शन थ्रू हुआ था, वो सब अब ऑपरेशनल हो गए। इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ जो ड्राइव शुरू हुई वो एक सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है, एंड उसके लिए पॉलिसीज चेंज की गई, उसके लिए कई न्यू मेजर्स लिए गए कि इम्पोर्ट कुछ चीज़ों का बंद होगा, वो खाली इंडिया में बनेगी, एंड अगेन एयरफोर्स की तरफ से देखें तो LCA के ऑर्डर्स जो हैं, पहले 40 थे फिर अभी 83 और दिए Mark 1 के, एक इम्प्रूवमेंट है। Mark 2 का ऑर्डर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हो गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उससे पहले हमने ALH लिए थे वो ले लिए, अभी C-295 का प्रोडक्शन तो गुजरात में ही सेटअप का हुआ, वो डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब पॉलिसी चेंज एंड फोकस चेंज एंड जो ड्राइव है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, उसका ये नतीजा है कि ये हम यहाँ पहुँचे। और इंक्रीजिंगली इन सब में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, MSMEs की तरफ से, स्टार्टअप्स की तरफ से जितना उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अब हम उस डायरेक्शन में अच्छी तरह चल रहे हैं जहाँ हम यू नो डिफेंस सेक्टर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें काफ़ी अटेंशन चाहिए होती है सब तरफ से, और सिनर्जी चाहिए होती है DRDO, DPSUs, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, अब वो सब हो रहा है। विरामबाद फरी एक बार स्वागत है, मिस्टर भदौरिया अपनी साथ। भदौरिया जी, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि बहुत सारा चेंजेस आपने लास्ट 10 ईयर्स में देखा, पॉलिसीज मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस शायद बहुत सालों के बाद, या तो बोल सकते हैं कि पहली बार हिंदुस्तान ने उस डायरेक्शन में सोचा भी है कि अभी आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में भी होना चाहिए। मेरा सीधा सवाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आत्मनिर्भरता की जो ड्राइव शुरू की है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जब क्लैरियन कॉल था कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, वो दैट स्टार्टिंग पॉइंट था। ये जो अभी ड्राइव है इंडिजिनस प्रोडक्शन, आत्मनिर्भरता की तरफ, पॉलिसी चेंजेस, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, MSMEs का इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट,
DPSU एंड DRDO का यू नो पॉलिसीज में ओपन होना, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, तो ये सब तो एक अभी ड्राइव है। हालांकि कई बार पहले इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाने की पहले बात हो चुकी है, कई बार कुछ प्लान्स भी बने थे पिछली डिकेड्स की बात करें, लेकिन ठोस पॉलिसी बट ठोस कदम उसके बाद फॉलो अप या उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। अब ऐसा हुआ है कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ड्राइव है एंड इसको फॉलो अप होके अब हम इस ट्रेजेक्टरी पे हैं कि सारा पूरा इकोसिस्टम उस तरफ को काम कर रहे हैं एंड चाहे DRDO हो, चाहे DPSU हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वो सब अब इस तरफ से बहुत फोकस एरिया से काम कर रहे हैं। बदल जी, यहाँ पे रोकना चाहूँगा, एक मेरा सीधा सवाल है, पॉलिसी हमने बना दी, आपने बोला कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जहाँ तक इंडो पाक नेक्सस का सवाल है, वो जिस तरह से अपना काम ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया है, पर्टिकुलरली चाइना की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन और जब हम यूटिलाइज करेंगे, इट विल टेक टू मच टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर प्लान जो बनाया है, मेरे हिसाब से आई थिंक 1 decade, 2 decades विल टेक टाइम। तो क्या इन बिटवीन जिस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ रहा है हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों का, खास करके नॉर्थ ईस्ट पे, आपको लगता है कि ये जो टाइम हम लेंगे इन बिटवीन, इज देयर एनी सम प्लान बी? देखो ऐसा है, इट इज़ नॉट दैट हमारी अभी कैपेबिलिटी कम है, हमने पिछले 8 साल में बहुत स्टेप्स लिए हैं एंड काफ़ी इक्विपमेंट इंडक्ट किया है एंड बहुत मॉडर्नाइजेशन किया है, नए इक्विपमेंट दिए। एयरफोर्स का तो मुझे हर एक चीज़ का पता है, आर्मी नेवी ने भी सिमिलरली काफ़ी मॉडर्नाइज किया है, इक्विपमेंट दिए, तो हमारी कैपेबिलिटी काफ़ी आज की तारीख में एंड उसने आपने इन चीज़ों का असर भी देखा, गलवान में आपने देखा, दूसरे जितने भी अपने रिसेंट कभी भी जब जरूरत पड़ी बालाकोट में क्या हुआ आपने देखा, हमारी क्या कैपेबिलिटी है आज, कैपेबिलिटी उससे भी ज़्यादा है। हर समय जब आप बिल्कुल एक तरह से फोकस करके इंडिजिनस प्रोडक्शन करेंगे, ये रिस्क हमेशा रहेगा तो, और ये लेना पड़ेगा, और आज हम इस हालत में है कि हमारी कैपेबिलिटी एनफ है कि हम ये इतना टाइम कर पाए एंड जहाँ भी कोई चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं, जब कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो डिफेंस सर्विसेज उसको टेकअप करके वो कर लेंगे, वो पैरेलल में अगर कोई चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है और उनको करने की ज़रूरत है एज कैपेबिलिटी, वो की जाएगी। बट टूवर्ड्स इंडिजिनस प्रोडक्शन, आत्मनिर्भरता के लिए, अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये वाला टाइम देना और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, उनको ऑर्डर्स देना एंड इस टाइम को हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, तभी हम उस रिजल्ट पे पहुँचेंगे। हर बार अगर हम ये डर के फिर थोड़ा रुक जाएंगे, फिर इम्पोर्ट भी करेंगे, ये भी करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन करते रहेंगे, तो वो पूरा फोकस उस पर नहीं आएगा। तो उस हिसाब से ये अच्छा है एंड हमारे पास ओके। नाउ इसके रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, आपने बताया कि अभी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, पहले टाइम ले लेते लेकिन होगा तो सही होगा, लेकिन 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 अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो कारगिल के बाद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 42 स्क्वाड्रन के लिए उन्होंने कुछ मंजूर भी कर लिया था, उसमें भी अभी वो नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक 36 ही है, तो ये फास्ट होना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। स्ट्रेंथ 42 है, हम अब धीरे धीरे कम होके अब 30 पे पहुंच रहे हैं, और ये एक है एयरफोर्स के लिए बहुत क्रिटिकल, इसीलिए अभी जो रिसेंट अटेंशन रहा है, जैसे 4 और LCS कौन ऑर्डर कर दिए, मार्क 2 को क्लियर कर दिया है, अभी जो भी एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने हैं, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे अपना मार्क 2 के आगे है, एमका की ऑलरेडी DND क्लियर कर दिए, तो उनका जल्दी डिसीजन लेना एक तो ज़रूरी है, बिकॉज एक DND के साथ में कंकरेंट प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। करंट चीफ ने ऑलरेडी इंडिकेट किया कि मैक 2 के भी 6 स्क्वाड्रन आएंगे, देयरफॉर अब DND की स्पीड बढ़ानी, अब DPSUs को भी इस चीज़ में सीरियसली काम करना पड़ेगा कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल LCA का प्रोडक्शन रेट आज भी 8 है, उसको 16 ले जाने का प्लान है, 2-3 साल से प्लान ये हम सुन रहे हैं, उसको अचीव करना है। मार्क 2 की जब प्रोडक्शन होगी हमें डायरेक्टली 16 पे जाना चाहिए, पहले साल में तो कम होता है बट उसके बाद स्ट्रेट 16 पहुंचना चाहिए। इसी तरह DND एमका की जो 5th generation एयरक्राफ्ट है हमारा नेक्स्ट लेवल, उसको स्पीड अप करना पड़ेगा, अभी 295 का प्रोडक्शन सेटअप हो रहा है, उसको
स्पीड अप करना पड़ेगा और शुरू से ऐसा देखना पड़ेगा कि हम स्केल अप कर पाए, क्योंकि इसकी 40 पे ख़त्म नहीं होगा ये, इसमें बहुत और भी ऑर्डर्स आएंगे, हमारे आएंगे, दूसरी सर्विसेज के आएंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से हमने HAL को ऑर्डर दिया है, मेरे हिसाब से डू यू फील दैट कि वो प्रॉपर हो जाएगा? किस में? LCA में? देखो, LCA मार्क वन है तो HAL बेस्ट सोल्यूशन था, बिकॉज इनिशियल जो ऑर्डर है 40 का ऑर्डर काफ़ी नहीं होता एक किसी भी इकोसिस्टम में, 100 के आसपास होना चाहिए, तो 40 + 80 = 120 बिल्कुल सही ऑर्डर है, वो HAL के पास है पूरा। जब मार्क टू होगा, शुरू से 6 कॉर्न होंगे तो वो 120 के ऊपर जाएंगे करीब, उसको देखना चाहिए कैसे हिट करें। एंड मेरे हिसाब से उसका सही तरीका है HAL और प्राइवेट सेक्टर का, एक SPV के हिसाब से, तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन थोड़ी बढ़ेगी फाइटर प्रोडक्शन में। अभी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है बट एज सब वेंडर्स HAL के, यहाँ बढ़ेगी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद हमें एमका पे एक और लेवल पे जाना चाहिए, उसका भी एक SPV काइंड ऑफ सोल्यूशन करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इन इन प्रोडक्ट्स में ही बढ़ाने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर्स में HAL इज डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया, प्रूवन। एंड उसमें भी HAL को अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके अपना टीयर वन करें, अब नीचे इंक्रीजिंगली प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए एक्सेसरीज में, सिस्टम्स में, तो उससे रेट भी बढ़ेगा, यू नो, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सब कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, फाइन, यहाँ रोकता हूँ, अगेन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, अंतिम तबाकानी बातों का रिश्व एक विराम बाद। વિરામબાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં ભદુરિયાજા સાથેની વાતો અંતિમ તબક્કાની। આપ બેઠે હો ઓર મેં રફેલ કી બાત ના કરું ચલે ગઈ નહીં, ક્યોંકિ હિન્દુસ્તાન કા બચ્ચા બચ્ચા એક એક ઇન્સાન રફેલ જબ એન્ટર હુઆ હિન્દુસ્તાન મેં, મેરે હિસાબ સે સબ લોગો કો એક હોપ, ઉસે પતા થા યા નહીં પતા થા, લેકિન ઇતના પતા થા કે કોઈ એક એસી ચીજ હિન્દુસ્તાન મેં આ રહી હૈ જો હમારે એરફોર્સ કો બહોત હી સ્ટ્રોંગ બનાયેગી। સવાલ મેરા યે હૈ, 126 का ऑर्डर हमने पाए 36, जरूरत हमें 126 की है, ये भी कहीं गैप नहीं लगता? 36 आ गए, बाकी के बारे में 36 आया, हमने देखा, हमने दिखाया, ये बाकी के लिए भी मेरे हिसाब से कुछ इतना फास्ट होना चाहिए, या तो कुछ आपको लगता है कि कहीं पर रुका है? देखो, रफेल की कैपेबिलिटी आपने बोली, सब बच्चा बच्चा जानते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रफेल ने इतनी बड़ी कॉम्बैट कैपेबिलिटी एयरफोर्स को दी है कि आई एम हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू कि ये पब्लिक में एक बड़ा इसका मैसेज है, सेंटिमेंट है, एंड वो सही है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी जो बढ़ावा हुआ है एयरफोर्स में, नॉट ओनली एज दिस 36 एयरक्राफ्ट, बट जब 36 दूसरे कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये कि बहुत बड़ा कैपेबिलिटी इंडक्शन है। हमको ये याद रखना चाहिए कि जब 126 की बात हो रही थी, वो पूरा प्रोजेक्ट स्टॉल कर गया था, तो उसका उसको RFP विड्रॉ किया था, तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था, एंड फिर G2G करके ये 36 आए। हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा थी, वो बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए उसके बाद अभी जो एयरफोर्स ने एक MRFA के लिए कुछ यू नो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, RFI दिया था, वो सब इन्फॉर्मेशन है, उसका डिस्कशन चल रहा है, वो मेक इन इंडिया में करना है, कैसे करना है, तो एक वो है। बट इंटरेस्टिंगली इन बिटवीन हमने 4 LCA स्कॉन ऑलरेडी ऑर्डर किए, ये नंबर ऑफ स्कॉन्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो हम रुके नहीं हैं, 36 ही आए। उसके बाद हमने एक Su-30 स्कॉन भी बनाया, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन बची हुई थी। उसके बाद 4 और LCA, 2 LCA स्कॉन नए बनाए, 4 और का ऑर्डर किया, तो नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं इन बिटवीन। एंड अब जो एयरफोर्स को जो भी डिसाइड करता है मेक इन इंडिया में मार्क टू के ऑर्डर्स, एमका के ऑर्डर्स, ये आगे से आगे प्लान करके जितना जल्दी हो सके इंडस्ट्री को बता के उनको प्लेस करना है, तो ये सारी जो कैपेबिलिटी बिल्डअप रहेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी रहेगी। बट भदौरिया जी, थोड़ा रफेल की बात निकली है, तो मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रावर्सी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी चल गई थी, अपोजिशन ये बोल रहा था, एक खेमा ये बोल रहा था कि ये कुछ ये हुआ,
गवर्नमेंट भी अपनी सफाई दे रही थी, ये मुझे न्यूट्रल स्टेटमेंट अच्छी है आपसे ना। मैं मतलब बिल्कुल एक जो होता है ना कि न्यूट्रल जो टेक्निकल बंदा है, मुझे वो स्टेटमेंट चाहिए कि क्या 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 जो कंट्रोवर्सी एलिगेशन क्या सच था। तो देखो वो तो सब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सब गलत प्रूव हुआ। वो बेसिक इशू समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्राइस हमने जिस पे किया था वो कम था, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और बेसिकली इन्फॉर्मेशन, उसका गलत एनालिसिस, उसका गलत प्रोजेक्शन, गलत अंडरस्टैंडिंग जो भी हुई हो, तो ये सारा इशू गया। आई डोंट वांट टू गेट ऑन टू द पॉलिटिकल साइड, बट इशू इस ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सब कुछ वो करके वहाँ से वो किया। इस इशू में ये समझना ज़रूरी है जो कैपेबिलिटी है इट इज़ विदाउट डाउट जो बोला गया है वो आ रही है, जो प्राइस है जिसपे थोड़ा कंट्रोवर्सी किया था कि ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। प्राइस इसका जो अर्लियर प्रोजेक्ट था उससे कम है, दिस इज़ गारंटीड। एंड जो भी दूसरी एक दो चीज़ें थी जो बोला जा रहा था, जैसे उससे खत्म है सम टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब उस पर बहुत ध्यान से काम करके काम हुआ था। अब हर चीज़ एयरफोर्स है वो हम डिटेल में बाहर नहीं समझाते, पर जिन्होंने भी एनालाइज किया जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, वो सारे डिटेल्स दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कॉन्ट्रोवर्सी होने की। ओके, एक 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 ऐसा सवाल मुझे, मेरे हिसाब से एयरफोर्स में जो होंगे वो लोग भी पूछना चाहते होंगे, और जो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज अगर रखता है वो भी बंदा पूछना चाहेगा। एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है, अगर हम निर्भर है एयरफोर्स, तो मेरे हिसाब से जीपीएस पे, जीपीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, नाविक कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जीपीएस मुझे पता है कि जिस तरह से जो हैंडल कर रहा है, आपने अपना होमवर्क अच्छा किया है, नाविक ऑलरेडी हो जाना चाहिए था, हम थोड़ा पीछे हो गए उसमें, एंड ये जल्दी होना चाहिए। फ्रॉम सर्विस साइड हम भी इस पर बहुत इच्छुक है कि ये जल्दी से जल्दी हो, बिकॉज एक ये कैपेबिलिटी अपनी अपनी खुद की इंडिजिनस होना जरूरी है, सैटेलाइट्स हमारी पहुंच गई, तो इसलिए ये नाविक प्रोजेक्ट का इंडक्शन बहुत ज़रूरी है। ये डिले हो गया है और इसको बहुत ही जल्द होना चाहिए। गवर्नमेंट ने युवाओं को सेना में आने के लिए योजना बनाई, पेंशन नहीं रखा। आपको लगता है कि ये योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपका इंडिविजुअल व्यू क्या है? देखो इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पेंशन नहीं रखा, ये वो वाला स्कीम है, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं वो वाला स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो बोल रहे हैं। हाँ, इसको इस तरह समझना चाहिए कि ये डिफरेंट स्कीम है, इसमें आप आएंगे एज अग्निवीर, 4 साल काम करेंगे, फिर 25% आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे जो पेंशन में होगा, तो इसको ये इस तरह से समझना चाहिए। नंबर्स वगैरह धीरे धीरे जाके स्टेबलाइज होंगे, तो इस स्कीम को उस तरह से समझना जरूरी है। जो आगे नहीं बढ़ेंगे जो 75%, उनके लिए दूसरे फैसिलिटीज़ की जा रही हैं, जो भी एक मनी का जितना पार्ट रहेगा वो रहेगा एंड सपोर्ट रहेगी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ भी जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरे इन PSUs, कई सारे फिजिबिलिटी करके कई सारे प्रावधान निकाले जा रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये एक डिफरेंट स्कीम है, उसको नॉर्मल स्कीम से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए देखना चाहिए कि हम जब चेंज कर रहे हैं आगे कितने, हमारी HR पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से हम आगे जाना चाहते हैं, उस हिसाब से देखना चाहिए। ओके, बदर भाई अंतिम सवाल, हिंदुस्तान का हर एक इंसान जानना ये चाहता है कि हमारे नॉन एनिमीज है उनके सामने अभी लड़ने के लिए हिंदुस्तान की सेना कैसे तैयार है, क्या भरोसा, किस तरह से आप अपने वर्ड्स में एक वो वर्ड में भदौरिया जी का, क्योंकि मुझे पता है कि भदौरिया जी बोलते हैं ना, आज एक अलग टोन में बोल रहे, बाकी भदौरिया जी का बोलने का टोन एक अलग है। भदौरिया जी, हिंदुस्तान की जनता को स्पेशल नॉन एनिमीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारी कैपेबिलिटी बहुत है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए, चाहे वो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे शॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी को भी हैंडल करने के लिए, चाहे पाकिस्तान की साइड से हो, चाहे चाइना की तरफ से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी को भी हैंडल करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी आज की तारीख में है। ये बिल्कुल मैं भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत इंडक्शन हुआ और अब उसी ट्रैजेक्टरी पर अभी चल रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल डाउट की बात नहीं है कि हमारी आज क्षमता है कि हम कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भदौरिया जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शक मित्रों आती बात ભદુરિયાજી સાથેની. મને ખ્યાલ છે કે અતિથિમાં અત્યાર સુધીના આટલા બધા આપે હંડ્રેડ્સ ઓફ એપિસોડ જોયા હશે, પરંતુ ડિફેન્સ સાથે જોડાયેલ એક સિનિયર પર્સનની સાથેની વાત કદાચ આ પહેલી વાર થઈ રહી છે. ફિલ્મ સ્ટાર, આર્ટિસ્ટ, એસ્ટ્રોનોટ, ડિફરન્ટ રિલિજિયસ ગુરુ, સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુઝ, ઓલ ઇન્ડિયા રોક સ્ટાર્સ, આ બધા સાથે જોઈ હતી. પરંતુ બહુ ફ્રેન્કલી કહું, આટલા એપિસોડ્સ પછી કદાચ મારા પોતાના ફેવરેટ એપિસોડ્સની કદાચ જ્યારે પણ વાત આવશે ને, ત્યારે ડેફિનેટલી હું આ એપિસોડને મેન્શન કરીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ અગેઇન ભદુરિયાજી. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર. થેન્ક્સ અગેઇન.